नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्फो हिंदी चैनल में। आज हम देखेंगे डेबिट कार्ड से पैसा निकालने का सही तरीका क्या है। आपको तो पता ही है कि जो आप पैसा निकालते हैं, जिसमें से पैसा निकलता है उसे एटीएम बोलते हैं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और आपके पास जो है कार्ड है ना, उसे आप बोलते हैं डेबिट कार्ड। हमारे यहाँ क्या है कि ज़्यादातर लोग है वो हमारे पास जो कार्ड होता है उसे एटीएम बोलते हैं, तो मेरे ख्याल से हमारे पास जो कार्ड है उसे हम डेबिट कार्ड बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास डेबिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, बहुत सारे कार्ड होते हैं। तो आज हम देखेंगे शुरुआत से अंत तक डेबिट कार्ड से पैसा कैसे निकालें। तो सबसे पहले आपको देखना है कि एटीएम में जाना है और देखना है एटीएम में कोई पैसा विड्रॉल कर रहा है, तो आपको वेट करना है थोड़ा सा, वो पैसा विड्रॉल करके चला जाएगा। उसके बाद आपको एटीएम में जाना है और आप अकेले ही होने चाहिए एटीएम में, और कोई दूसरा आदमी आता है तो आपको बोलना है कि 2 मिनट वेट करें, क्या है कि एटीएम में से पैसा निकालने के लिए 2 मिनट तो काफ़ी है। और उसके बाद आपको सेफ्टी पर्पस के लिए देखना है कि एटीएम में जो कार्ड रीडर है, एटीएम मशीन में कार्ड रीडर है, उसको थोड़ा सा खींचना है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि कोई चिप्स विप्स लगी नहीं है ना, थोड़ा सा अपनी तरफ खींचना है, उसके बाद रख देना है। अगर आपके हाथ में आएगा तो उसमें लगा है तो आपको पैसा नहीं निकालना है। उसके बाद अगर नहीं लगी होती है, चिप्स नहीं हाथ में आता है, तो आपको पैसा निकालना है। उसके बाद आपको कार्ड डालना है, तो कार्ड रीडर में आप कार्ड डालेंगे तो आपका कार्ड मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों का चिपसेट वाला ही होगा, तो आपका कार्ड है वो टेक रखना है वहाँ पे। उसके बाद आपको ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं, तो मैं जो आपको ऑप्शन बता रहा हूँ उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि आपको पता है सभी एटीएम का जो ऑप्शन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। HDFC बैंक का है, SBI का है, आपके पास डेबिट कार्ड कुछ और है और सामने ATM कुछ और है, तो क्या है उसका ऑप्शन अलग अलग डिफरेंट हो सकता है। आपने कार्ड डाला ATM में, उसके बाद देखना है कि ऑप्शन आएगा, मेरे ख्याल से लैंग्वेज का आएगा, कौन सी भाषा, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, तो आपको जो भाषा में आपको निकालना आता है पैसा वो पसंद करना है, वो चूज करना है। और दोस्तों मैं बता दूं आपको, ज़्यादातर लोग गुजराती चूज करते हैं, तो गुजराती नहीं, गुजराती का क्या है, सर्वर डाउन होता है, तो आपको इंग्लिश या हिंदी अच्छा रहेगा, उसका सर्वर मेरे ख्याल से चलता ही चलता है, तो आपको पहले इंग्लिश है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपका पिन का पेज आएगा, मेरे ख्याल से पिन डालना है। पिन का क्या है कि आप एटीएम में जो पिन डालते हैं, कीपैड है, वो कीपैड में आपको पिन डालना है, जहाँ पे वहाँ पर ऊपर देखना है कि ऊपर कुछ चिपका हुआ नहीं है ना, ऊपर से थोड़ा सा खींचना है, अगर कुछ चिपका हुआ होगा तो मेरे ख्याल से कैमरा वगैरह हो सकता है, तो ऊपर कुछ चिपका हुआ नहीं है ये सिर्फ देखना है। उसके बाद आपको पिन डालना है, पिन डालने के बाद नेक्स्ट पेज में जाना है। पिन डालने के बाद आपको मेरे ख्याल से विड्रॉल का ऑप्शन आएगा, तो विड्रॉल में क्या है, आपको मैन्युअली विड्रॉल सिलेक्ट करना है, सिर्फ विड्रॉल लिखा होगा, सिर्फ विड्रॉल लिखा है वो आप सिलेक्ट कीजिए, और फास्ट विड्रॉल का भी ऑप्शन होगा, पर मेरे ख्याल से फास्ट विड्रॉल कई बार सर्वर के मुताबिक बंद होता है तो आपका पैसा नहीं निकलता, पर क्या है विड्रॉल का ऑप्शन आता होता है ना, उसमें आपका पैसा निकलता ही है, तो विड्रॉल का ऑप्शन कीजिए। तो दोस्तों आपको विड्रॉल सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको अमाउंट डालना है, जो भी अमाउंट है 500, 1000, 2000, 5000, 10000, मेरे ख्याल से एक बार में आपका 10000 तक निकल सकता है। अगर आपका ATM है वो HDFC बैंक का है और आपका डेबिट कार्ड है वो भी HDFC बैंक का है, मतलब दोनों सेम है, तो 20000 या फिर 15000 तक विड्रॉल हो सकता है। बाकी आपका डेबिट कार्ड अलग बैंक का है, डिफरेंट बैंक का है, और ATM भी है वो SBI का है, और आपका डेबिट कार्ड है वो HDFC बैंक का है, तो मेरे ख्याल से 10000 का विड्रॉल होगा, तो आपको 10000 तक अमाउंट है वो एंटर करना है। दोस्तों ज़्यादातर अमाउंट आपको 500 में ही सिलेक्ट करना है, 1000, 500, 1500, 2000, 5000, क्या आप 100 में या 200 में सिलेक्ट करेंगे, तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर ATM में 100 या 200 अमाउंट होता नहीं है, तो आपको 500 में ही सिलेक्ट करना है। 500 में आप सिलेक्ट करोगे तो आपका पैसा आसानी से विड्रॉल हो जाएगा,
उसके बाद आपको अमाउंट डालने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पे आना है। अगर आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो उसमें आपको ट्रांजेक्शन, वेट कीजिए थोड़ा, ट्रांजेक्शन हो रहा है, ट्रांजेक्शन प्रोसेस, प्लीज वेट। तो आपको थोड़ा वेट करना है ताकि मशीन आपको पैसे गिन के आप तक आपको दे देता है। जब तक मशीन आपका चल रहा है, मशीन में आवाज आ रही है दोस्तों, तब तक वेट करना है। तो दोस्तों जब तक आपका ट्रांजेक्शन सही तरीके से हो नहीं जाता तब तक आपको वेट करना है। उसमें चाहे 1 मिनट लग सकता है, 2 मिनट लग सकता है, 5 मिनट या फिर 10 मिनट, 5 से 10 मिनट से ज़्यादा आपका ट्रांजेक्शन पूरा होने में टाइम नहीं लगेगा मेरे ख्याल से। तो जब पूरा ट्रांजेक्शन हो जाता है उसके बाद आपको पैसा मिल जाता है, तो पैसा ले लेना है दोस्तों और उसको काउंट करना है। पूरा पैसा गिनने के बाद ही आपको गिन लेना है। उसमें आपको देखना है कि जो पैसे मिले हैं आपको उसमें नोट टूटी फूटी है या फिर नकली है, तो आपको वो नोट को कैमरे के सामने दिखाना है। एटीएम के सामने भी कैमरा होता है और ऊपर भी कैमरा होता है, तो आपको ऊपर देखना है, दिखानी है एटीएम के सामने वो नोट को दिखाना है, ताकि क्या है कि वो नोट है वो आप बैंक में जाके चेंज कर सके और बैंक के खिलाफ आप कंप्लेंट दर्ज कर सके। तो आपको ये देखना है ताकि कोई भी इश्यू बाद में ना आए। और आपको पैसा मिल जाता है तो आप पैसे गिन के निकल सकते हैं, और अगर आपको वो मशीन पैसा गिनता है और अगर नहीं मिलता है पैसा, तो उसमें से आपको मेरे ख्याल से पर्ची निकलेगी। वो पर्ची को आप में बैंक में देना है और वो पर्ची को जेरोक्स करके देना है, पर्ची अपने पास रखना है, क्योंकि बैंक में आप दे देंगे तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा। तो क्या है, आप पर्ची अपने पास रखें और बैंक में जेरोक्स दे, और वो उस जेरोक्स दे के आपका कंप्लेंट करेंगे तो आपका पैसा फिर से जो डेबिट हुआ है वो क्रेडिट हो जाएगा। और आप पैसा नहीं निकला तो भी अपना कार्ड ले लें और उसके बाद कैंसिल के बटन को 1-2 बार प्रेस करके आप वहां से चल सकते हैं। और हाँ दोस्तों, मैं एटीएम सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर में ही जॉब करता हूँ, तो ऐसे वीडियो लाते रहता हूँ। तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना दोस्तों।